हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 20 पोकेमोन जो अपने ट्रेनर की बात नहीं मानते थे, और साथ में मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि वो बात क्यों नहीं मानते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिगो लीग के स्टार्ट होने से पहले हमें एक मैरोवैक दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनर की बात को मानने से मना कर देता है। बात मानने से क्या, मैरोवैक तो ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हारा पोकेमोन नहीं हूँ। ये सब मैरोवैक ने म्याउथ से कहा था, और मैरोवैक बात मानने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसके ट्रेनर के सारे जिम बैच टीम रॉकेट चुरा लेती है। और मैरोवैक बताता भी है कि उन जिम बैच को पाने के लिए उसने जिम लीडर के पोकेमोन्स को हराने के लिए बहुत मेहनत की थी, और उसका अपना था इंडिगो लीग में जाना, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो बात मानना बंद कर देता है। लेकिन जब सारे जिम बैच वापस मिल जाते हैं तो वो अपने ट्रेनर की बात मानना दोबारा शुरू कर देता है। मिस्टी का साइडक भी मिस्टी की बात नहीं मानता था। मिस्टी भी साइडक से बहुत परेशान रहती थी कि भाई कुछ तो अटैक कर, और साइडक बिना बुलाए पोकीबॉल से बाहर भी आ जाता था। पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रैगनाइट ने आरएस की बात मानना बंद कर दिया था। पोकेमोन वर्ल्ड टूर्नामेंट जूनियर कप में ड्रैगनाइट अपनी मर्जी से हमला कर रहा था, जिसकी वजह से आरएस एश से हार गई थी। लेकिन आगे जाते जाते सीजन 15 एपिसोड 49 में ड्रैगनाइट ने आरएस की बातें मानना पूरी तरीके से शुरू कर दिया था। पोकेमोन XY के एपिसोड 8 में फरफ्रो जेसिका की बात मानने से मना कर देता है क्योंकि फरफ्रो को जेसिका के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन एपिसोड के एंड में जेसिका फरफ्रो का भरोसा जीत लेती है उसे टीम रॉकेट से बचाकर, और फरफ्रो जेसिका की बात मानने लगता है। पोकेमोन एडवांस चैलेंज के एक एपिसोड में एक ट्रेनर का लाउड रेड जब एक्सप्लाउड में इवॉल्व होता है तो वो उसकी बात मानना बंद कर देता है। वो ट्रेनर बताता है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने मेरी बात मानना बंद कर दिया। लेकिन उसी एपिसोड के लास्ट में जब वो ट्रेनर अपने एक्सप्लाउड को टीम रॉकेट के हमले से बचाता है, फिर एक्सप्लाउड अपने ट्रेनर की बातें मानने लगता है। एश ने प्राइमेप काफी मुश्किल से पकड़ा था। प्राइमेप भी एश की बात नहीं मानता था, यहाँ तक कि इंडिगो लीग के फोर्थ जिम बैटल में जब एश प्राइमेप को बाहर निकालने वाला था तब एश सोचता है कि प्राइमेप बहुत गुस्से में रहता है और वो मेरी बात भी नहीं मानेगा, तो एश उसे नहीं निकालता। लेकिन एपिसोड 29 में प्राइमेप एश की बात मानने लगता है क्योंकि एश उसे गिरने से बचाता है। पोकेमोन सन एंड मून में जेसी के मिमिक्यू ने भी जेसी की बात काफी बार नहीं मानी है, लेकिन जब बात हो एश के पिकाचू से लड़ने की तो मिमिक्यू बात मान लेता था। आयरस की इमोल्गा भी आयरस की बात नहीं मानती थी, और बात ना मानने के बाद इमोल्गा पता नहीं ये रिएक्शन क्यों देती थी। बात मनवाने के लिए मैं इस रिएक्शन का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये इमोल्गा के ऊपर चलो कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू में इमोल्गा को लड़ाई करना पसंद नहीं था, तो इमोल्गा लड़ाई से बचने के लिए सामने वाले पोकेमोन के ऊपर वोल्ट टैकल चला के दूसरा पोकेमोन निकाल देती थी और पीछे हट जाती थी। ऐसा इमोल्गा ने काफी बार किया है, लेकिन जब आयरस ने क्लब बैटल में इस्तेमाल किया तो इसके पास लड़ाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे और इसके बाद से इमोल्गा ने आरएस की बात मानना शुरू कर दिया। पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 148 में मिचेल जो कि ये है, ये अपने मर्क्रो से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराता है ताकि ये अपनी बहन के पोकेमोन को हरा सके। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी ये अपने मर्क्रो को आराम करने का टाइम नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मर्क्रो मिचेल की बात मानना बंद कर देता है। लेकिन एपिसोड के एंड में मिचेल मर्क्रो से माफी मांग लेता है, जिसकी वजह से मर्क्रो दोबारा बात मानना शुरू कर देता है। पोकेमोन के एपिसोड 1 में जब एश को अपना पहला पोकेमोन पिकाचू मिलता है तो पिकाचू एश की बात मानने से मना कर देता है, लेकिन उसी एपिसोड के एंड तक पिकाचू एश की बात मानने लगता है क्योंकि एपिसोड के बीच में बहुत कुछ हुआ था। पोकेमोन सीजन 15 एपिसोड 15 में डबल बैटल होता है जिसमें बियांका अपने स्कैवेलियर को इस्तेमाल करती है, लेकिन आधे से ज्यादा बैटल में स्कैवेलियर बियांका की बातों को नहीं मानता, लेकिन बैटल खत्म होते होते वो अपने साथी पोकेमोन को बचाने के लिए स्कैवेलियर बियांका की बातें मानना शुरू कर देता है।
पोकेमॉन सन एंड मून में एश के लाइकन रॉक ने भी एश की बात कई बार नहीं मानी है। जब जब लाइकन रॉक की बॉडी पे कीचड़ लग जाती थी तब लाइकन रॉक अपने काबू से बाहर होकर बहुत गुस्से में आ जाता था, क्योंकि लाइकन रॉक को अपनी बॉडी पे कीचड़ लगना बिल्कुल पसंद नहीं था और लगने के बाद लाइकन रॉक किसी की बात नहीं सुनता था। इसीलिए लाइकन रॉक को शांत करवाने में एश को बहुत टाइम भी लग जाता था। मिस्टी का गैराडोस भी मिस्टी की बात नहीं मानता था, लेकिन जब मिस्टी ने गैराडोस को टेंटाक्रूल से बचाया तो फिर गैराडोस मिस्टी की बात मानने लगा। पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड 38 में जोरुआ अपने ट्रेनर ल्यूक की बात मानना बंद कर देती है, क्योंकि जोरुआ एक लड़की है तो ल्यूक जोरुआ को मूवी के लिए राजकुमारी की जगह राजकुमार बना रहा था और राजकुमार एक लड़का है जो कि जोरुआ नहीं बनना चाहती थी, तो जोरुआ गुस्सा होकर ल्यूक की बात मानना बंद कर देती है। लेकिन जब ल्यूक को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो जोरुआ को राजकुमार बनाने पे मजबूर नहीं करता और जोरुआ फिर से ल्यूक की बात मानने लगती है। पोकेमॉन सीजन 8 एपिसोड 20 में किमी का लिनून दूसरों की चीजें चुराने लगता है और किमी की बातें नहीं मानता। लिनून इसलिए ऐसा करता है क्योंकि किमी उसके साथ वक्त बिताना कम कर देता है, लेकिन एपिसोड के लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी शक्ल इतनी वैसी क्यों लग रही है? यहाँ तक कि इसके पापा की भी बड़ी वैसी लग रही है। वैसी से मेरा मतलब गंदी लग रही है, और कुछ मतलब मत निकालना। पोकेमॉन XY के एपिसोड 3 में एश का फ्रोकी एश की बात नहीं मानता, क्योंकि जब बॉनी डेडेने को एक बेरी खिला रही थी वो फ्लेचलिंग चुरा लेती है तो बॉनी काफी दुखी हो जाती है, तो उससे बदला लेने के लिए फ्रोकी फ्लेचलिंग से लड़ाई करता है। लेकिन एश फ्रोकी को नहीं पिकाचू को भेजना चाहता था, लेकिन उस टाइम फ्रोकी काफी गुस्से में था तो एश की बात मानने से मना कर देता है, पर उसके थोड़ी देर बाद ही एश फ्रोकी को शांत कर लेता है तो की एश की बात मानने लगता है। पोकेमॉन सीजन 11 एपिसोड 7 में मार्बल का लग्स रे उसकी बात सुनना बंद कर देता है, क्योंकि लग्स रे अच्छे से इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन एपिसोड के एंड में लग्स रे इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है और फिर मार्बल की बातें मानना भी शुरू कर देता है। आयरिस के एक्स का ड्रिल ने भी आयरिस की बात मानना बंद कर दिया था और जब भी आयरिस उसे बाहर निकालती थी एक्स का ड्रिल अपने आप को बंद कर लेता था, क्योंकि एक्स का ड्रिल बहुत पहले ड्रेडन के हेक्सोरस से हार गया था, वो भी आयरिस की वजह से, क्योंकि आयरिस एक्स का ड्रिल को लड़वाना चाहती थी जबकि एक्स का ड्रिल को पता चल गया था कि वो हेक्सोरस से नहीं जीत सकता और हारने के बाद वो आयरिस की बात मानना बंद कर देता है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड 33 में आयरिस उससे माफी मांगती है और एक्स का ड्रिल फिर से बात मानना शुरू कर देता है। डॉन का स्वाइन अब जब पाइलो स्वाइन में इवॉल्व होता है तो वो डॉन की बात मानना बंद कर देता है और आगे जाके मैमो स्वाइन में इवॉल्व होने के बाद भी डॉन की बात नहीं मानता। लेकिन पोकेमॉन सीजन 12 एपिसोड 15 में डॉन मैमो स्वाइन की चोट को ठीक करने में उसकी मदद करती है, तो ठीक होने के बाद मैमो स्वाइन डॉन की बात मानने लगता है। नंबर 1 पे आता है अपना और कोई नहीं, पक्का बता रहा हूँ तुम्हें पहले से ही पता है कौन आएगा, तो अगर तुमने गेस कर लिया था और तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, और अगर तुमने गेस नहीं भी किया था तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी इससे। नंबर 1 पे है एश का चार्मेलियन। चार्मेंडर ने कई सारे एग्जीक्यूटर को रोका था जिसकी वजह से चार्मेलियन में इवॉल्व होने के बाद उसे घमंड हो गया था, यानी चार्मेलियन अपने लेवल को एश के लेवल से भी ऊपर मान रहा था और चार्मेंडर में इवॉल्व होने के बाद भी वो एश की बात नहीं मान रहा था। लेकिन आगे जाके जब चार्जार्ड पॉलीरैथ से हार गया तब एश ने उसकी काफी केयर करी और उसके बाद चार्जार्ड एश की बात मानने लगा। तो यहाँ पे ये लिस्ट खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। पिछले 20 पोकेमॉन ने अपने ट्रेनर की बात नहीं मानी, लेकिन तुम मेरी बात मान लेना प्लीज और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।